हम आए हैं कुरुक्षेत्र के पास अभिमन्युपुर में। अभिमन्युपुर वो जगह है जहाँ पर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की स्थापना की थी और यहीं पे अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी। हम अदिति वन के उस मंदिर में आए हैं जिसका नाम है सीताराम मंदिर। कहा जाता है कि इस मंदिर में जो मूर्ति थी वो बहुत ही कीमती धातु की थी, जिस वजह से उसको चुरा के अंग्रेजों ने इंग्लैंड भेज दिया। और जब उसके लिए प्रोटेस्ट किया गया, यानी कि सरकार के खिलाफ खड़ी हुई औरतों ने काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया, तब उनको धीरज बनाए रखने के लिए एक वैसी ही मूर्ति यहाँ पे स्थापित करके दे दी गई। लेकिन उसकी वैल्यू उतनी नहीं है जितनी पहले वाली मूर्ति की थी। पंडित जी, इस मंदिर का इतिहास क्या है? ये तो है जी सीताराम मंदिर। इसमें पहले कोई पुरानी मूर्ति थी तो यहाँ से चोरी होगी, तो चोरी होके एक यहाँ आका था कोई पंडित जी। जब चुंगी हुआ थी, चुंगी पे लग रहा था, तो उसने कुछ जज किया भाई ये तो है, तो वो पकड़ कर ली। जो असली मूर्ति वो नहीं मिली, असली तो चली गई इंग्लैंड। इसके अंदर क्या था क्या नहीं वो तो नहीं भी पता है। अच्छा, फिर इन्होंने औरतों ने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट करके चलो इन्होंने धरना धुरना दिया। दिल्ली जब करनाल थी अड्डी थी पे, तो गवर्नमेंट ने अंजू पूजने के लिए इनको दे दी। वो कट है उसमें सिर में, अब वो गाँव में रखी देवी मंदिर में, जो असली है वो नहीं आई। अच्छा, फिर ये यहाँ सीताराम राधा कृष्ण ये फिर बाकी मूर्तियां स्थापना कर दी। असली तो पुराना वो था, और जो ये कुंड है सामने, यही था सूर्य कुंड। सूर्य कुंड यही है, और ये जो मंदिर है सामने शिव जी का, ये शिव जी का है हाँ, बनखंड। बनखंडेश्वर, हाँ, उसके बारे में बताइए। उसके तो ये अभी शिवलिंग है। तो अंग्रेज आए हैं, उन्होंने इसको देखा तो उनको पता नहीं लगा भी कितने साल पुराना है ये। सर्वे करने आए थे तब उनको पता नहीं लगा ना है ना तब से, ना, मशीन नहीं चल जाके, तो ऐसा कुछ है कि ये महाभारत के टाइम से ही है या बस ऐसा ये नहीं कुछ, कह सकते भी ये नहीं ये पता। क्या पता महाभारत से पुराना भी हो। हाँ, जब सूर्य ग्रहण होता है तो लोग यहाँ पे नहाने आते हैं, है ना, तो उसका कोई खास महत्व? खासी अभी जब उन्होंने तपस्या की, अब उसने कश्यप ऋषि ने, अब कश्यप ऋषि की कश्मीर बसाया है, वहीं से उत्पन्न होया, उन्हीं का पुत्र समझ लीजिए सूर्यदेव। दो शादी हो रही थी उनकी ऋषि कश्यप की। जो कश्मीर है ना, अब ये उन्हीं का बसाया है ऋषि कश्यप का।